हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक चैप्टर के जो बोर्ड के पास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 कट द वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस को कट करेगी। जब भी कोई लाइन है वो वाई एक्सिस को कट करेगी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो होगा, क्योंकि कटिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो यहाँ पे पुट हियर लाइन कट द वाई एक्सिस सो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो यानी एक्स इक्वल टू जीरो। तो फॉर x इक्वल टू जीरो के लिए y की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट करो, माइनस y इक्वल टू 5। माइनस y है तो उसको प्लस 5, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो y 5 होगा, वो क्या हो जाएगा? माइनस 5 हो जाएगा। ओके, तो पॉइंट हो गया पॉइंट p x y इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट जीरो एंड y कोऑर्डिनेट माइनस 5। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।